ठीक है गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हेयर। अभी ये हेयर बनाएंगे कैसे, बहुत सिंपल सा फंड है। सबसे पहली चीज़ कि मैं यहाँ पे अपॉइंट कर रहा हूँ, पहले नॉर्मल चीज़ों को लेके फुलफिल करते हैं, ठीक है। कि मैं अगर यहाँ पे स्प्रेयर लूँगा तो स्प्रेयर से क्या होगा, स्प्रेयर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। जैसे जब स्प्रेयर मूव किया मैंने यहाँ पे, कहाँ किया मेरा स्प्रेयर, अपॉइंट किया ना मैंने यहाँ पे, ये देखो ये मेरा स्प्रेयर है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, स्केल, ठीक है, कर सकते हम लोग यहाँ पे। अभी इसमें क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास सब कुछ हाइड हो जाएगा, आइसोलेशन मोड, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट एफ यहाँ चेक करो। अभी मुझे यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे मैंने क्या किया, चीज़ को मैं थोड़ा सा मैनेज करता हूँ। यहाँ पे जेड रिमेसर करके ऑप्शन आता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ज्योमेट्री में गए, जेड रिमेसर, जेड रिमेसर, ठीक है। हम लोगों को ट्राइंगल वाला मॉडल यूज़ नहीं करना, अगर ट्राइंगल वाला आप मॉडल यूज़ करते हो तो दिक्कत आएगी, पहले से ही आएगी, तो हमें पहले से पता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले से प्लानिंग करके चलते हैं, ठीक है। शिफ्ट प्रेस किया, मेरे पास ये पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। अभी जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं थोड़े टाइम भाई, डिलीट कर देते हैं। अब सेलेक्ट किया ये लेयर, ये लेयर है, ठीक है, इसको हम लोग करते हैं यहाँ से डिलीट, ठीक है, ओके। ऑल टेन क्लिक किया यहाँ पे, यही लेयर था, डिलीट हो गया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऑल टेन क्लिक करते हैं, स्विच किया मैंने यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ, फ्लोर ऑन किया। अभी मैं इन चीज़ों को मैं मैनेज कैसे करूँगा वो देखते हैं, ठीक है। तो हेयर है, हेयर आपका सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन मैं बेसिक शेप अभी वैसे लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपना यूआई चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, मूव पे आके यहाँ पे, तो बेसिक शेप्स को यहाँ पे पहले मुझे शेप को मैनेज करना है। शेप को मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या करने वाला है, यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं कोई चीज़ मैनेज करूँगा यहाँ पे, सबसे मेन चीज़ मेरे पास काम में क्या आने वाला है। अगर मेरे को इतना पार्ट में यहाँ पे अगर राउंड है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा, ये मैं बस इतना राउंड में ऐसे मैनेज करके करूँ, इतना ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना, तो ये बेसिक हमें समझना पड़ेगा। तो साइड से पार्ट को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ऐसे करके, ठीक है। और देन शिफ्ट प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे सेट करता हूँ, एक्स ऑन कर लेते हैं यहाँ पे, एक्स फॉर ए टाइमिंग, एक्स ऑन यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे थोड़ा सा सेप को मैनेज करना मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। ये सेट किया, ठीक है, सिर्फ प्रेस करो, स्मूथ करो, ये पार्ट मैं अंदर लेके आऊँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को यहाँ पे। यहाँ पे सेट करते हैं, ये सेप मैंने यहाँ पे ऐसा सेट किया, ठीक है। अभी यहाँ चेक करो, यहाँ पे जो चीज़ें हैं मेरे पास यहाँ पे, थोड़ा सा सेप को मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, कितना मैनेज हो सकता है, इतना मैंने मैनेज किया यहाँ पे। यहाँ पे मुझे करना है सिमेट्री ऑफ, एक्स ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैं चीज़ों को ऐसे ऐसे करके मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट प्रेस किया, ये पार्ट हमने ऐसे कुछ मैनेज किया, ठीक है, ऐसे करके कुछ मैनेज किया। ब्लॉकिंग हमें सेट करना है, ठीक है। अभी ये इन चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके लेके चलता हूँ। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं एक साइड से मुझे ये पार्ट मुझे ऐसे निकालना है, ये पार्ट मैंने ऐसे करके निकाला, ठीक है। ये शेप मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, ठीक है, टॉप पे गए, ये शेप मैं बस ऐसे निकल के आएगा यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट पे गए, ये चीज़ को मैं यहाँ पे ऐसे शेप को थोड़ा सा मैं मैनेज करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, कि मैं ब्लॉकिंग कितना निकल के आ सकता है, ब्लॉकिंग में कितना मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये सेट किया मैंने यहाँ पे, देख फ्लोर ऑफ किया यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखोगे जो चीज़ में उस काम की चीज़ नहीं है, उसको मैं अंदर की तरफ मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, भाई मुझे इतनी नीड नहीं है। तो इसमें क्या है, मैं शेप्स को थोड़ा सा ऐसे लेके चलने वाला हूँ, कि भाई मेरे पास बेसिक ब्लॉकिंग क्या है, शेप्स को मैं कैसे लुक एंड फील दे सकते हैं यहाँ पे। और अभी थोड़ा सा वन बाय वन करके मैं थोड़ा सा डिटेल देना स्टार्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसे कुछ शेप सेट किया यहाँ पे। फ्लोर करते हैं ऑफ, ऑफ से ऑन कर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे क्या करना, हल्का सा ये चीज़ें प्रेस करना है, कंट्रोल डी करता हूँ, एक डिवीजन दिया मैंने यहाँ पे। व्हाट आई वॉन्ट, मुझे यहाँ पे एक जो लाइन चाहिए, मैं ये लाइन कैसे क्रिएट करने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या, अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट लूंगा तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर हो जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, डैम स्टैंडर्ड, ठीक है। मैं एक बार बेसिक्स में यहाँ पे आपको ऐसे भी दिखाता हूँ, एक आइडिया ऐसे भी देता है। जैसे देखो यहाँ पे लाइन है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं नॉर्मल लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, या फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसे करके मास्क भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अभी चीज़ें मैं बस ऐसी हैं कि हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा कैसे फुलफिल कर सकते हैं, मैंने हल्का सा यहाँ पे शेप दिया यहाँ पे, ये ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है, ये बेसिक सा लाइन, ठीक है। फ्लोर ऑन करो यहाँ पे, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब ये कि हमने यहाँ पे इसका हमें यहाँ पे क्या करना है, मूव करके यहाँ पे चीज़ों को
ठीक है, ये सब सेट किया। अभी देखो यहाँ पे डेप्थ पता चल रहा है, यहाँ डेप्थ कैसा है, यहाँ पे जो चीज़ें पता चली वो हमें देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 4:8 के पास ज़्यादा निकालना है, तो ज़्यादा निकालने के लिए मैं अभी क्या करने वाला हूँ इन चीज़ों में, तो यहाँ पे लाइक सॉरी डैमेज स्टैंडर्ड से, तो मैं यहाँ पे लाइन को हल्का सा यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया। मेरे पास ऐसा कुछ शेप में है, मैंने अभी यहाँ पे चेक कर लिया, मैं बस ये इमेज रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे जो शेप्स हैं उन शेप्स को मैं थोड़ा सा देख के भी काम करने वाला हूँ, अच्छा इसमें नहीं काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक हमने यहाँ पे बेसिक शेप लिया, ठीक है, बैक से पीछे का शेप हल्का सा कुछ लाइन ऐसा कुछ गया हुआ है, कर सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं लाइनों को बेसिक ब्लॉकिंग करने में थोड़ा सा लाइनों को भी मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। लाइक मुझे ऐसा कुछ देना है तो मैं ऐसे करके लाइक शेप्स को यहाँ पे, ठीक है, साइज को छोटा करते हैं यहाँ पे, ब्रश साइज छोटा के लाइक बिग बैकेट से, और मैं ऐसे करके भी थोड़ा सा वन बाय वन करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। लाइक ठीक है, ये शेप मैंने ऐसा कुछ दिया, ये शेप मैंने कुछ ऐसा निकाल दिया, ठीक है, ऐसे करके भी मैं यहाँ पे डिटेल दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये शेप मैंने ऐसा कुछ दिया यहाँ पे, ठीक है, ये शेप लाइक दिस, और लाइक ऐसे करके मैं थोड़ा सा डील करने वाला हूँ कि मैं शेप्स में बस कैसे आने वाला है। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट आपके यहाँ पे निकलेगा, ये वाला पार्ट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे कि मुझे शेप्स क्या करना है। ठीक है, फ्रंट से मैंने यहाँ पे शेप को थोड़ा सा मैनेज करना स्टार्ट किया। इसी में चीज़ें क्या है, लाइक ये जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइक डेप्थ वाला पार्ट है, अभी यहाँ पे बस अलग अलग लेयर है। अभी एक में स्कल्पिंग करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या आती हैं कि लाइक कैसे कहाँ काम करना है। ठीक है, हल्का सा लाइक स्टैंडर्ड लिया मैंने यहाँ पे, हल्का सा इसके बीच में हल्का सा स्कल्प करना पड़ेगा यहाँ पे ताकि थोड़ा सा अलग से दिखे यहाँ पे। ओके, ये हल्का सा आपने ये स्कल्प करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके हल्का स्मूथ स्मूथ अमाउंट कम रखना है यहाँ पे। ठीक है, हल्का सा स्मूथ भी यहाँ पे कर रहा हूँ, तो बेसिक शेप में बस यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ पे। तो एक प्रोसेस आपका ये आ जाता है, दिस इज लाइक काइंड ऑफ वन प्रोसेस कि हम लोग यहाँ पे कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। सेकंड प्रोसेस में क्या होता है, लाइक मैं इन्हीं मैस को मैं कॉपी करके पतला पतला लेयर करके मैं मैनेज करने वाला हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रंट में गए, ठीक है, इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज, फ्लोर को हम लोग करते हैं ऑन। यहाँ देखो यहाँ पे शेप्स कैसा है, अभी मैंने इतना पार्ट क्या किया, इतना पार्ट मैंने कर दिया मास्क, स्टैंडर्ड पे गए, ठीक है, मैं लाइक नॉर्मली व्हाट आई वांट, यहाँ चेक करो यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैंने यहाँ पे गया फ्लोर पे गए और मैंने यहाँ पे लाइक ऐसे करके यहाँ पे शेप्स को मैंने यहाँ पे मैनेज किया। ठीक है, यहाँ चेक करो, ठीक है, तो ऐसे करके मैं मास्क कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा लाइक मैनेज करूंगा, लाइक ऐसे भी शेप्स को थोड़ा सा मैं इमेजिन भी करना पड़ेगा, जैसे मेरे पास रेफरेंस है, इन रेफरेंस पे मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। ठीक है, वो भाई एक बार मैं आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ कि भाई कैसे हमें क्या काम करना है। ओके गाइस, हमने यहाँ पे मास्क किया है, ठीक है, मास्क करने के बाद मैं अभी क्या करता हूँ लाइक नॉर्मली थोड़ा सा रेफरेंस वाइज मैं यहाँ पे थोड़ा सा डील करता हूँ यहाँ पे, इसको भी मैं थोड़ा सा लाइक बेसिक शेप को यहाँ पे निकालने की कोशिश करता हूँ। बेसिक शेप में कैसे जा रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही बेसिक सा पार्ट है। ठीक है, अभी यहाँ पे तो साइड से पार्ट पे काम करते हैं यहाँ पे, मूव पे मेरा अपना कमांड सेट करना है यहाँ पे, ये मुंह पे मैं कमांड कैसे सेट होगा, लाइक ये मुझे थोड़ा सा ईयर का पार्ट दिखाना है यहाँ पे, तो मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ईयर है, ठीक है, यहाँ पे सेट किया पे थोड़ा सा लाइक ऑल्ट एंड क्लिक, ठीक है, ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अपने रेफरेंस को थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पे देखेगा आपको यहाँ पे कि भाई ये शेप कुछ ऐसा कर्व से गया है, तो आप यहाँ पे लाइक काइंड ऑफ हल्का सा ऑल्ट एंड क्लिक किया पे ये को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मैनेज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये पीछे की तरफ से थोड़ा सा लेके आए तो हम लोग पीछे की तरफ हल्का सा नीचे की तरफ लेके ऐसे आ जाएंगे। तो शेप्स को हम लोग कैसे यहाँ पे लाइक मैनेज करने वाले हैं, फ्रंट से देखो कितना दिख रहा है वो हम लोग दिखा सकते हैं, ऐसा कर्व सा गया है तो लाइक थोड़ा सा कर्व मैंने यहाँ पे मैनेज किया। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे तो और ब्रॉड भी रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, काम करेंगे यहाँ पे। अभी इतना शेप हमने काम किया, इतने शेप हम लोग यहाँ पे लाइक मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, ये शेप में बस यहाँ पे है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इन्हीं चीज़ को लेकर यहाँ पे देखें, यहाँ पे फ्रंट साइड देखें, ये थोड़ा सा पार्ट निकला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसमें इधर वाले ईयर थोड़ा सा कम विजुअल है, बहुत ज़्यादा नहीं विजुअल है, ठीक है, ये बालों से कवर्ड है, तो हमने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा लाइक फिनिशिंग हम लोग यहाँ पे भी देंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं सिंपल सा पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने काम किया, ओके, यहाँ पे हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं। अभी यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, एक एक लेयर अगर ध्यान से देखो तो इसके में लेयर में जो डिटेलिंग आपको दिखेगा ना यहाँ पे,
इमेज चेंज हो गया यहाँ पे, चलो इसमें देखते हैं, ठीक है साइड में देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मेरे को इसके सिमिलर में नहीं है, एक इधर आया तो एक इधर आया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी इसी में मैं यहाँ पे डैम स्टैंडर्ड यूज कर लेता हूँ यहाँ पे डैम, ठीक है। अभी डैम स्टैंडर्ड यूज किया मैंने यहाँ पे, मैं जाता हूँ यहाँ पे जैसे यहाँ पे है ना, तो ये शेप में कुछ इस टाइप से बहुत एग्जैक्ट नहीं बना रहे, लाइक हमें पूरा एग्जैक्ट ही नहीं चाहिए, हमने यहाँ पे क्या किया चीज़ों को थोड़ा सा ऐसा कुछ बनाना है कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख सकें भाई शेप में बस ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। लाइक काइंड ऑफ ये पार्ट में ऐसा कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट में ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ, ओके। यहाँ से हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा काइंड ऑफ ऐसे ही करके यहाँ पे थोड़ा सा गैप में गया, ऐसे करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही करके मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये चीज़ों को लाइक यहाँ पे जैसे ये इधर की तरफ आया, अब मेरे पास और भी डिफरेंस है क्या, लाइक ऐसे ही गया है तो मुझे इसको भी, तो अगर उधर मुझे विजुअल नहीं है तो इसको मैं ऐसे कुछ यहाँ पे मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। जस्ट काइंड ऑफ ये ऐसे करके हमने मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है, जस्ट काइंड ऑफ ऐसे करके हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और ये पार्ट हमने कुछ स्टेप से दे रखा है यहाँ पे, ताकि चाहिए बस यहाँ पे थोड़ा सा निकल के आ सके यहाँ पे, ओके। ये हम लोग थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग थोड़ा डील कर लेंगे, फोकस किया मैंने यहाँ पे, तो ये क्या अपने बस वन ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। मैं शेप पे यहाँ पे आ रहा है, अभी यहाँ पे क्या हम लोग लो पॉली पे काम कर, लो पॉली मतलब कि डिविजन में कम पे काम किया है, ठीक है। यहाँ पर हम चेक करें यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ है, बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे देखो वो अलग मैस है, वो अलग मैस वाला काम हम लोग इतने डिटेल में देने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम लोग वो थोड़ा सा भी करने वाले हैं, ठीक है। ये हमने हमें यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दिया, ठीक है। अभी धीमे धीमे हम चीज़ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जैसे देखो यहाँ पे शेप है, अभी शेप को मैं कंट्रोल एंड क्लिक कर दूँ यहाँ पे, मैं अगर हल्का सा स्कल्प कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, या नॉर्मल में थोड़ा सा इन्फ्लेट कर दूँ यहाँ पे, अपने पास डिफॉर्म में होता है ना यहाँ पे इन्फ्लेट, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी क्या यहाँ पे मैं जो शेप है ना, उस शेप को थोड़ा सा मुझे मैनेज करना है, शिफ्ट एफ प्रेस करो यहाँ पे, ये देखो सबका सेगमेंट एक जैसा है, ठीक है, डिसलेक्ट कर दिया मैंने। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इनको मैं यहाँ पे एक जेड रिमेसर कर देना है, ठीक है। जेड रिमेसर करने से क्या होगा, हम लोग यहाँ पे मैश इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, देखो जैसे शेप है ना उसके ऊपर यहाँ पे मैश आ गया। तो इसमें क्या डिटेलिंग देने के लिए मेरे पास और बढ़िया मेथड आ जाएगा यहाँ पे, कि कैसे मैं यहाँ पे शेप को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। शिफ्ट एफ देखो, कंट्रोल डी करो यहाँ पे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे क्या करना है। हम लोग अगर यहाँ पे काम करते हैं यहाँ पे, तो लाइक शेप वाइज मुझे एक बार फिर से डैम स्टैंडर्ड यहाँ पे चलाना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा और प्रोमिनेंट दिखे यहाँ पे, ठीक है, ये काइंड ऑफ ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये और प्रोमिनेंट हो जाएगा यहाँ पे, और लाइक ये थोड़ा सा आपको अलग लुक एंड फील देना स्टार्ट कर देगा अपने यहाँ पे, जैसे ठीक है, ये काइंड ऑफ ये पार्ट आपने ऐसे दिखाया, कॉर्नर पर मुझे कुछ ऐसे प्रोमिनेंट दिखाना है तो मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये काम कर दिया हमने यहाँ पे, लाइक काइंड ऑफ ये कुछ इस टाइप से, ओके, ये काइंड ऑफ एंड देन काइंड ऑफ लाइक दिस। तो ऐसे करके हम थोड़ा सा चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी हमने ऐसा कुछ किया, ठीक है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे क्या अंदर से भी थोड़ा सा मुझे स्कल्पिंग करके निकालना पड़ेगा। जैसे अभी टॉप से हमने बेसिक शेप दे दिया, ठीक है, बेसिक शेप वहाँ बस आना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, कि ठीक है मैं ऐसे करके ऐसे स्कल्प कर सकता हूँ यहाँ पे नॉर्मली। अभी मैंने बेसिक सी लाइनें दी हैं, ठीक है, बेसिक सी लाइन देने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, लाइक यहाँ पे काइंड ऑफ थोड़ा सा शेप को मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, बस काइंड ऑफ ऐसे कुछ शेप्स मेरे पास गिवन है, ठीक है, ये काइंड ऑफ आपने यहाँ पे दिया, ठीक है, लाइक यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेट किया। अभी यहाँ पे क्या है, ये चीज़ आगे को कवर करने के लिए यहाँ पे क्या ऊपर से चीज़ निकल गई है, ठीक है। तो मैं अभी एक स्प्रे और लेके या मैं आपको एक और मैस ऐड ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ देखो यहाँ पे शेप्स है मेरे पास यहाँ पे, अभी इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, नीचे से मेरे पास पार्ट आ रहे हैं यहाँ पे, लाइक थोड़ा सा मुझे मास्किंग से काम करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ देखना कम सेगमेंट पे, लाइक कम पॉलीगन पे मास्क नहीं करना, एक दो डिवीजन देके करना, ताकि वो चीज़ें आए यहाँ पे, ठीक है। एक बेसिक शेप हमने यहाँ पे दिया, ठीक है, ऐसे शेप हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं रफली सा। अभी इन चीज़ को भी हम लोग मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे। नीचे से मैं यहाँ पे क्या करना है, लाइक यहाँ पे मुझे अब क्या स्कल्प करना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे स्कल्प करूँगा यहाँ पे, तो अपने आप निकल के आएगा यहाँ पे, ठीक है, लाइक काइंड ऑफ लाइक दिस, ठीक है। तो वो चीज़ अपने आप यहाँ पे दिखेगा कि भाई ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे विजुअल है, ठीक है। अभी इतने ही पार्ट विजुअल है, मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे डैम स्टैंडर्ड यूज़ कर लूँ डैम, ठीक है, इतना पार्ट मैंने यहाँ पे दिखा दिया भाई, इतना पार्ट मेरे पास यहाँ पे निकल गया, आएगा निकल के। ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड पे गए, ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है, हल्का सा स्कल्प, काइंड ऑफ, ठीक है,
थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ पे चीज को मैनेज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या मास्किंग में है मैंने सेट किया यहाँ पे, और थोड़ा सा लाइक ऐसा कुछ कर लेते हैं यहाँ पे। अभी ये वाला बट मेरे को सीधा पॉइंटेड गया है, अब यहाँ पे मुझे शेप को अलग से निकालना है, ठीक है ये भी करेंगे। इन्वर्स किया मैंने यहाँ पे, इन्वर्स करने के बाद यहाँ पे देखो जो शेप है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ देखो ये बहुत ऊपर प्रोमिनेंट सी लाइन गई है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना, मूव टू लेना है यहाँ पे थोड़ा सा। मैं यहाँ पे देखो मैं अभी देख के बना रहा हूँ, मैं रेफरेंस में वो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि चीज़ें मेरे पास कुछ इस टाइप से देखे यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग चाहें तो यहाँ पे इसके लाइक वेज द फ्लोर, फ्लोर वाइज मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ भाई, ऐसा कुछ है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है ये शेप मैंने ऐसा कुछ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा मैच करना स्टार्ट करेंगे तो मेरे चीज़ यहाँ पे दिखेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब मेरे पास देखो ये शेप मेरे पास कहाँ पे, ये शेप मेरे पास यहाँ पे, तो मैं अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे बिना रेफरेंस के बनाएंगे तो बिना रेफरेंस में थोड़ा सा कुछ ऐसा भी दिखता है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ओहो सॉरी, ये मैंने शायद मास्क वाले को कर दिया यहाँ पे, ठीक है। नीचे वाला पार्ट था, मैं अभी फ्लोर पर भी ऑन कर, पहले ये वाला पार्ट ही बनाते हैं यहाँ पे, ये वाला पार्ट कितना है वो देख लेते हैं। थोड़ा सा क्या इसमें भी थोड़ा सा रेफरेंस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं, सेफ प्रेस किया यहाँ पे, ठीक है। ये जो मेरे पास लाइन है उस लाइन को मैं यहाँ पे कैसे मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फ्लोर ऑन ऑफ, ठीक है, ये चीज़ हमें एक बार क्रॉस चेक करके देखना है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ से आ रहा है, देखो ये पार्ट आपका यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पर सेट किया। ये पार्ट कहाँ तक जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट में ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट हमने यहाँ तक सेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको भी हम लोग यहाँ पे रखे यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट क्या है, ये चीज़ हम लोग यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे शेप में बस यहाँ पे, ठीक है। ये शेप यहाँ पे कर सकते हैं भाई, ऐसा शेप में बस कुछ यहाँ पे है, तो बेसिक बेसिक शेप हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे निकालते हैं यहाँ पे भाई, ये शेप में बस ऐसा कुछ गया है, तो एक रफली शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया यहाँ पे काइंड ऑफ, ठीक है। अभी क्या है, इसको मैंने कर दिया उल्टा, कंट्रोल एंड कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया। अभी मैं नीचे वाले पार्ट को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, नीचे वाला पार्ट कितने में बस यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ तक है, मुझे यहाँ पे सिर्फ इतने ही पार्ट पर दिखाना है, तो इतने पार्ट पे हम लोग काम करेंगे ना यहाँ पे, तो इससे मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाला पार्ट को थोड़ा सा पे मैनेज कर देगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैनुअल भी डील करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं नीचे वाला पार्ट को तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे थोड़ा सा मैनुअल यहाँ पे थोड़ा सा डील करना पड़ेगा, हल्का सा स्कल्प करके थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि थोड़ा सा चीज़ें इससे कनेक्टिविटी दिखा सके यहाँ पे, सब कुछ एकदम रेफरेंस से भी नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे मैनेज करके देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। काइंड ऑफ जो लुक एंड फील दे सके यहाँ पे, हल्का सा स्मूथ भी किया मैंने यहाँ पे। तो अभी इसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी देखो हमने सिर्फ फ्रंट में मैनेज किया है, ठीक है, कंट्रोल एंड क्लिक किया। अगर मैं अपने रेफरेंस के यहाँ पे देखूँ यहाँ पे, ठीक है, अभी इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पे ये कैसे निकला हुआ बाहर। अब देखो यहाँ पे अभी साइड से हमें ये पार्ट निकालना है, ठीक है। तो अभी ये क्या काम कर लेंगे यहाँ पे, मूव टूल सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, और लाइक ये चीज़ मैं ऐसे करके, ठीक है, पॉइंटेड करके मुझे निकालना है, जैसे ये शेप है ना, ये शेप आपका ऐसे कुछ जा रहे हैं यहाँ पे काइंड ऑफ, ठीक है। ये भी काम यहाँ तक, ठीक है। अभी यहाँ पर मैनेज करते हैं पे, ठीक है, ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ निकाल दिया, ठीक है, ये शेप में बस ऐसे कुछ जा रहे हैं यहाँ पे। और मैं थोड़ा सा इस पर स्कल्पिंग भी करने वाला हूँ यहाँ पे, है ना, डायनेमिक टूल से होगा, लेकिन वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे क्या, हमें क्या अभी थोड़ा सा बेसिक शेप अपना सेट कर लेंगे ना, तो अपना काम पहले ईजी हो जाएगा। देखो यहाँ पे फ्लैट दिख रहे हैं यहाँ पे, फ्लैट नहीं होना चाहिए, देखो ये शेप आपको कैसे अंदर की तरफ गया हुआ है, ये जो शेप आपके पास यहाँ पे, तो उन चीज़ को हम लोग थोड़ा सा देखो, ये अगर इसको समझोगे ना यहाँ पे कॉर्नर लाइन से गया है, बहुत ही फ्रंट से दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, देखो ये जो कॉर्नर लाइन से गई है, कॉर्नर लाइन यहाँ तक गई है, तो कॉर्नर लाइन का मतलब यही, जो मैं जब स्कल्प करूँगा ना यहाँ पे, तो ये पार्ट मेरे पास ऐसा कुछ निकल के आएगा, ठीक है। ये पार्ट आपका देखो फ्लैट सा हो गया है ना, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ऐसे निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो एक काइंड ऑफ ठीक है ऐसा कुछ शेप मैंने किया यहाँ पे, ठीक है, मैनेज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अभी क्या इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक शेप पे दिया, अभी यहाँ पे क्या करना है, डिसलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अभी मुझे थोड़ा सा लाइक कैसे मैनेज करना है यहाँ पे, ये जो मेरे पास शेप गया है वो गया अंदर की तरफ, ठीक है। तो मुझे भी सब मास्क ऑफ करके यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अंदर की तरफ किया यहाँ पे, ये जो पार्ट मेरे पास निकल के आएगा ना, ये पार्ट मेरे पास इधर की तरफ जाने वाला है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ सेट किया, ठीक है। अपने जो फोरहेड वाला पार्ट है, ये पार्ट अपना यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे, तो ये चीज़ जब तक यहाँ पे सही नहीं आएगा ना यहाँ पे, तो लाइक उतना मज़ा नहीं आएगा, लुक एंड फील नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सिर्फ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करेंगे काइंड ऑफ लाइक दिस, ठीक है। ये सेट हमने सेट किया यहाँ पे, और अभी इसके अकॉर्डिंग मुझे चीज़ को निकालना है, तो मैं चीज़ को कैसे निकालने वाला, सॉरी
थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करके हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। साइड से भी हम लोग थोड़ा सा चीज़ को मैनेज करके देखेंगे भाई, शेप मेरे पास जैसे ये हमने सेट किया, ठीक है। हमारे पास फेस को मॉडल थोड़ा पीछे देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने थोड़ा सा सेट किया यहाँ पे, ठीक है। और लाइक इस टाइप से जो निकला हुआ है ये पीछे, देखो यहाँ से कम है इधर ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं इन चीज़ को थोड़ा सा कम करूँगा इधर से, ठीक है। ये पार्ट मैं इधर से कम किया और मुझे इधर से ये वाला पार्ट मुझे बाहर निकालना है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा बाहर निकालना है यहाँ पे, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ से दिखे, यहाँ से दिखना जरूरी है। देखो ये शेप दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये शेप मुझे यहाँ से दिखना जरूरी है, तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे बेसिक यहाँ पे किया, ठीक है। यहाँ पे लगता है मुझे थोड़ा सा स्मूथ करना है, स्मूथ भी करेंगे, ओके। यहाँ पर सेट किया, ठीक है। अभी ये पार्ट मुझे कवर करने के लिए अलग से एक मैस लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा फिनिशिंग देते हैं, ठीक। मूव करने होती है तो ये शेप को थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा, लाइक ऐसे करके थोड़ा शेप को मुझे मैनेज करके देना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये शेप मैं ऐसे करके दूंगा तो मेरे पास ये थोड़ा सा बेटर है यहाँ पे, तो फ्लैट सा है तो फ्लैट वाला लुक एंड फील हटा देंगे यहाँ पे हल्का सा, ठीक है। लाइक काइंड ऑफ इस टाइप से भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमने काम किया, ठीक है, हल्का सा मैंने निगेटिव स्कल्प किया यहाँ पे। यहाँ पे देखो शेप मेरे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। अंदर वाला पार्ट को बहुत स्मूथनेस के साथ दिख रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लाइक ऐसे स्कल्प किया यहाँ पे, हल्का सा ब्लेंड कर देते हैं यहाँ पे, ये काइंड ऑफ, ठीक है। ये हल्का सा ये पार्ट यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी इतने जितने बार हम लोग काम करेंगे उतने में हमें यहाँ पे क्या करना है, चीज़ों को ये देखना है। देखो यहाँ पे एक ऊपर पॉइंटेड से लाइन गई हुई है यहाँ पे, यहाँ से होगी लाइन गई यहाँ पे। इसने डिफाइन किया कि भाई ये पार्ट थोड़ा सा अलग से है। मैं हल्का सा निगेटिव स्कल्प कर रहा हूँ यहाँ पे, निगेटिव स्कल्प करने का यहाँ पे क्या है, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैनेज कर दिया। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा मैनेज करने का, मैं अभी हल्का सा स्कल्प करने वाला हूँ, ठीक है। लाइक थोड़ा हल्का सा एच पॉलिश लिया मैंने यहाँ पे, ये देखो फ्लैट टाइप से ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। ऐसे करके मैं थोड़ा सा यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अगर देना है तो मैं थोड़ा सा पॉइंटेड से लाइन, ये देखो लाइन अपने आप निकल के आएंगी, तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा यहाँ पे दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। काइंड ऑफ यहाँ पे लगता है थोड़ा सा देना है, तो हल्का सा देख लेगा, हल्का सा स्मूथ कर दें यहाँ पे, ठीक है। अभी ये चीज़ मैंने दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक सिंपल से एक लेयर अलग से लेके आए यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं ये जो लेयर है मैं लेयर अलग से लेके आ सकता हूँ, ठीक है। एक ऑप्शन जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ वो भी मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें यहाँ पे, कि मैं ज्योमेट्री अलग से लेके आऊँ वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, या मैं ऐसे डुप्लीकेट फेस करके लाऊँ वो मेरे लिए बेटर है, ठीक है। तो वो भी चीज़ आपके लिए क्या है कि किस टाइप से आप चीज़ को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अभी इन चीज़ के लिए मैं अभी क्या करता हूँ, दो वन थिंग ऐसे डुप्लीकेट ही निकाल लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा, फिर मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अलग अलग लेके आने पर जैसे हमारे पास देखते हैं शेप में बस कैसा है। यहाँ पे गए सिंपल फ्लोर ले लिया मैंने यहाँ पे, फ्लोर लेने वाले वहाँ पे कुछ मैं बस मास्किंग भी है अपना, मेस मैं सामने ज़्यादा वो कर रखा है। चलो एक काम करते हैं, डू वन थिंग अपेंड करते हैं, अपेंड किया, ठीक है। और अलग ही लेना है तो अलग लेते हैं। अभी मैंने आपको जी स्पेयर नहीं बताया, ठीक है। जी स्पेयर का भी एक अपना रोल होता है कि जी स्पेयर से हम लोग कैसे क्या मैनेज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी अपकमिंग क्लासेस में आपको वहाँ पे डील करने वाला हूँ कि कैसे करना है, क्योंकि उसको फिर बताने के लिए फिर अपना क्या फिर से टॉपिक अपना फिर से स्टार्ट करना पड़ जाएगा, कि सेफ है क्या और चीज़ें कैसी हैं, ठीक है। कोई नहीं, ये लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। हल्का सा मैं स्केल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेफ टैप प्रेस करो, आपको देखिएगा यहाँ पे मैस कैसा है, ठीक है। और लाइक हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जी रिमेसर, ठीक है, जी रिमेसर यूज़ कर लिया, ठीक है। ऐसे आप मॉडल को यूज़ कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। अभी आपको अलग अलग मैस को भी थोड़ा सा डील करना आपको आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेट किया थोड़ा सा पतला कर दिया यहाँ पे, इधर सेट किया हल्का सा पतला कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ड्रॉप पे गए, क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे अगर चीज़ को मैनेज करना है तो मैं कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पोजीशन दे दो, मूव कर दिया यहाँ पे ये पार्ट अपना यहाँ पे, ठीक है। अभी मैस आपके पास जाने वाला कैसा है, सबसे मेन चीज़। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ सिर्फ प्रेस, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, फ्लोर में ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, फ्लोर के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ को थोड़ा मैं मैनेज कर लेता हूँ यहाँ पे। ड्रॉप पे गए, ठीक है, सबसे पहले चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ मूव टूल से, कि भाई चलो अगर ऐसा कुछ करना भी है तो कैसे करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है।
अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ, मैं अगर थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दूँ यहाँ पे तो मेरे और थोड़ा सा ईजी होगा। अपनी चीज़ों को लेकर कैसे ईजी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वो भी थोड़ा सा मैं ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ लेकिन मैं एक एक करके खींच के लेके आऊँगा, मेरे पास दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। ऐसा अगर मैं ऐसे करके जाऊँ तो मेरे अभी मैनेज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेफ मैंने यहाँ पे थोड़ा ऐसे कुछ साइड स्टेप से यहाँ पर लिया, ठीक है। सेफ में गए यहाँ पे सिंपल सा पार्ट ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसे खींच के थोड़ा सा पतला कर सकते हैं यहाँ पे, बिग बैकल से साइज छोटा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं फ्रंट में जाऊँगा तो फ्रंट में क्या है, मेरे पास ये शेप मुझे ऐसे करके लेके जाना है यहाँ पे, ठीक है। ये शेप अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे तो ये शेप आपको इधर इधर थोड़ा सा निकल गया हुआ है। तो अलग अलग मैं इसमें आप ऐसे करके भी डील कर सकते हैं आप यहाँ पे, जस्ट काइंड ऑफ लाइक। तो लगता है कोई दिक्कत हो तो आप अलग अलग मैच भी आप ले सकते हो, जैसे मैंने ऊपर का बना, ऊपर का भी आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। कि अगर आपको लगता है ऐसा कुछ डील करना है तो और तो साइज को छोटा बड़ा करके यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं स्विफ्ट प्रेस करके क्लिक करते हैं फिर मेरे पास यहाँ पे सब पूरा मॉडल आ जाएगा। फ्लोर को करते हैं हम लोग ऑफ, यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो जो शेप मेरे पास यहाँ पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ दोस्तों, मैस के अकॉर्डिंग डील करूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे शेप मेरे पास कैसा दिखना चाहिए, शेप ट्रैप कर दिया मैंने यहाँ पे, ये मेरे पास कैसा दिखना चाहिए, ये शेप में कैसे मैं मैनेज करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी जो शेप मेरे पास यहाँ पे है उस शेप्स के लिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आपका इस स्विच ऑन हो गया यहाँ पे, विच वन दिस वन, ठीक है। मैंने ऑल्ट एंड क्लिक किया यहाँ पे, ओके। ये पार्ट हम लोग यहाँ पे ऐसे कुछ मैनेज करके लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सब थोड़ा सा यहाँ पे अभी कान के आगे निकालना है तो कान के आगे निकाल देंगे यहाँ पे। ये देखो इसके अंदर तो घुसा हुआ है तो पीछे से दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे अपना मैस के अंदर जाने वाला, तो हम लोग यहाँ पे इसको अंदर घुसा देंगे, ठीक है। यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हल्का सा पार्ट निकला हुआ, तो आप लोग ऐसे करके निकाल के दिखा सकते हैं यहाँ पे। अरे कान में बाली भी है इसमें, है ना, तो ठीक है। हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे काइंड ऑफ जितना पतला करना है पतला कर दो, आप यहाँ पे मैनेज करना मैनेज कर दो। बहुत सारा काम आपका जो होगा वो किससे होगा, मूव टूल से होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीज़ को निकालना है मुझे, तो मैं यहाँ पे चीज़ को आराम से निकाल सकता हूँ सामने से। सामने से मुझे अगर ऐसा कुछ निकालना है तो मैंने, ठीक है, काइंड ऑफ इधर से थोड़ा सा मुझे पतला करना है पतला कर सकता हूँ। अब इसमें क्या दिक्कत, इसमें लाइक कहूँगा आप एक बेनिफिट क्या मिलेगा कि शेप को आप कैसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कैसे क्या काम करना है, कैसे ऐसा कुछ को मैनेज करना है, ठीक है। कितना दिखाना है, कैसे दिखाना है, आप यहाँ पर आराम से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सेट किया, ओके। यहाँ पर अगर देखें यहाँ पे मुझे सिर्फ इतनी पार्ट से मैनेज है, है ना। अब इसको थोड़ा सा पीछे लेंगे, लेकिन इसको भी थोड़ा सा लेते हैं, इसको भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सेट किया थोड़ा सा, यहाँ पर देखो पहले बेसिक में बस फ्रंट इधर से थोड़ा सा पतला कर देना है, तो सेफ टर्न स्मूथ, ठीक है। चलो इसे भी थोड़ा स्विच कर लेते हैं, ऑल्ट क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके देखते हैं यहाँ पे कि लाइक इज इट पॉसिबल, थोड़ा सा ऐसे लेते हैं लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका शेप बहुत अच्छा आ रखा है, तो आई डोंट वांट कि थोड़ा सा मैं ज़्यादा से मैनेज करूँ यहाँ पे। ऑल टाइम क्लिक के यहाँ पे, ठीक है। ये को थोड़ा सा यहाँ पे स्मूथनेस के साथ, ठीक है। तो ऐसे मैं कहूँ मुझे लाइक इसका भी कौन सा मुझे बहुत बढ़िया नहीं दिखा मुझे यहाँ पे, यहाँ पे जो शेप्स है ना वो थोड़ा सा बहुत बेटर नहीं लगा, थोड़ा सा लाइक ऐसा लगा कि थोड़ा सा कुछ इस टाइप से। तो थोड़ा सा हम लोग अपने अकॉर्डिंग में थोड़ा कस्टमाइज करके मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या ये पार्ट हमने सेट किया, ये पार्ट हमने यहाँ पे ऐसे कुछ करके मैनेज कर सकते हैं, तो चीज़ें अच्छी दिखेंगी यहाँ पे। ऑल्ट एंड क्लिक कर दो यहाँ पे, तो उस चीज़ पीछे वाली चीज़ को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बेटर वे में निकाल सकते हैं। बिल्कुल शेप्स है आपके पास यहाँ पे लाइक नीड है, कंट्रोल डी कर दो हल्का सा, अगर डिवीजन की जरूरत है मैं हल्का सा डिवीजन भी देके चलूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे करके काम कर सकते हैं यहाँ पे शेप्स। यहाँ पे अगर मैं कहूँ थोड़ा सा लाइक काइंड ऑफ शिफ्ट हल्का सा पार्ट यहाँ पे मैंने निकाला यहाँ पे, चलो भाई ऐसा कुछ, ठीक है। तो काइंड ऑफ ऐसे भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक से शेप हमने यहाँ पे दिया, ऐसे शेप हमने दिया यहाँ पे बेसिक सा, ठीक है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे मैनेज करते हैं यहाँ पे, ऑल्ट एंड क्लिक किया यहाँ पे, और हल्का सा मैं यहाँ पे स्कल्प कर लेता हूँ। पीछे का जो पार्ट थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं दिख रहा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया,
हल्का सा यहाँ पे स्कल्प के यहाँ पे हल्का सा स्मूथ कर दिया यहाँ पे, तो ये भी एक बेसिक सा शेप हम लोग निकाल सकते हैं। तो और हम लोग इस पर आइडिया देते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ मुझे कहाँ दिखाना है, देखो स्कल्पिंग पे, तो यहाँ पे मेरे को मुझे ये पार्ट थोड़ा ज़्यादा दिखाना है। तो ज़्यादा दिखाने के लिए यहाँ पे क्या करें, मुझे यहाँ पे स्कल्प करना पड़ेगा इसको, हल्का सा मुझे निगेटिव स्कल्प करना पड़ेगा, ठीक है, हल्का सा उसे पॉजिटिव स्कल्प करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। लाइक काइंड ऑफ ये आप नॉर्मली ऐसे डील करो और स्कल्प भी करते रहो आप यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके, तो वो चीज़ क्या है आपके पास अलग से दिखेगा, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे देखो ये लेयर आपको उसके ऊपर है, तो मैंने यहाँ पे क्या हल्का सा निगेटिव स्कल्प के यहाँ पे, ये हल्का सा निगेटिव स्कल्प करो आप यहाँ पे, और उसे हल्का सा पॉजिटिव स्कल्प करो यहाँ पे, ठीक है। लाइक काइंड ऑफ ये पार्ट आपका ये ऐसे, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा लाइन देना पड़ेगा यहाँ पे। और एक एट देन हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे देखो यहाँ पे जो हमने डैम स्टैंडर्ड यूज़ किया है, डैम स्टैंडर्ड टूल, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया डैम स्टैंडर्ड टूल यहाँ पे ये सेट किया, यहाँ पे थोड़ा सा मैं शेप्स को यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट करने के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा चाहिए को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने बहुत कम लेवल पे काम किया, ये जो हमारे पास लेवल है वो बहुत ही कम लेवल पे काम कर रखा है यहाँ पे, कि चीज़ों को हम लोग कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखो ये पार्ट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके दिखा सकते हैं, ठीक है, ये हमने कुछ इस टाइप से किया। अभी इनके ऊपर भी अपना एक नेक्स्ट टूल स्टार्ट होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखें यहाँ पे मुझे कहीं पॉइंटेड करना है, तो मैं यहाँ पे लाइक अभी देखो ये निगेटिव में जाता है ना यहाँ पे, अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे एच पॉलिश है इसको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, और लाइक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज किया ऐसे करके, मैं थोड़ा सा अगर निगेटिव में कर दूँ यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे आएगा दूसरा पार्ट। अगर आपको मुझे पॉजिटिव में लेना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे हल्के से एक एक लाइन में ड्रॉ कर सकता हूँ, टैप प्रेस किया फोकस शिफ्ट, ये देखो ये अगर मुझे ऐसा कुछ करना है तो मैं एक लाइन दिखना यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट सा यहाँ पे चीज़ को यहाँ पे मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि काइंड ऑफ, ठीक है, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे लाइक काइंड ऑफ ये पार्ट में ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे हल्का सा स्कल्प करें यहाँ पे, तो वो चीज़ अपने बस हाईलाइटेड भी हो जाएंगे यहाँ पे, हल्का सा वो निगेटिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग लाइक बेसिक सा एक लुक एंड फील दे सकते हैं यहाँ पे, कि मेरे पास यहाँ पे अगर मुझे हेयर क्रिएट करना है तो लाइक कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे काइंड ऑफ, तो सबको ड्रॉप पे आपको दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कैसे आपको ड्रॉप करना पे, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा लगता है कहीं ज़्यादा होता है, हल्का सा स्कल्प करो आप यहाँ पे, फिनिशिंग के साथ आपको देना चाहिए आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना पड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक एक करके लेयर यहाँ पे देखो, जो लेयर दिख रहा है यहाँ पे लेयर का पार्ट क्या है, ये इस ये नीचे ये इसको उसके ऊपर है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सेलेक्ट करके मास्क भी कर सकते हैं यहाँ पे, या हल्का सा थोड़ा सा मैं दबा भी सकता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूंगा यहाँ पे तो ये इसके ऊपर दिखने लगेगा, देखो अगर मैं हल्का सा मैं स्कल्प कर रहा हूँ ये लाइक दिस, ये मैंने आपसे दिखाया यहाँ पे, तो ये इसके पार्ट ऐसे आएगा, साइज को थोड़ा छोटा करो और इसे हल्का सा अंदर की तरफ स्कल्प कर दो यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है। ये पार्ट अगर देखोगे ये पार्ट आपको यस, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया लाइक नॉर्मली मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा मैं डील कर रहा हूँ यहाँ पे लाइक काइंड ऑफ ये ऐसे करके मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ये क्या अभी इसका नेक्स्ट लेवल होगा यहाँ पे, नेक्स्ट लेवल के यहाँ पे सेगमेंट कम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे, तो मैं वन बाय वन करके यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करना स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे, कि भाई मुझे शेप को कैसे मैनेज करना है यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को लाइक वन बाय वन करके अगर मुझे नीचे दिखाना है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हल्का सा एच पॉलिश यहाँ पे लो, इसे हल्का सा दबाना स्टार्ट कर दें यहाँ पे, ये दबेगा तो ये ऊपर आएगा, ठीक है, सिंपल पार्ट है। एक निगेटिव में जाएगा तो दूसरा आपको ऊपर में आएगा, वो आपको देखेगा यहाँ पे, अदरवाइज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो सेलेक्ट करके आप थोड़ा सा स्मूथ करके यहाँ पे हल्का सा मास्क कर दो, मास्क में वो चीज़ निकल जाएंगी, जैसे क्ले बिल्डअप लिया मैंने यहाँ पे ये पार्ट में ऐसे करके भी मैं ऐसे दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। काइंड ऑफ ऐसा कुछ सेट किया, सेफ्ट एंड स्मूथ किया मैंने यहाँ पे, तो वो पार्ट में बस ऐसे भी कुछ दिखने वाला है यहाँ पे, ठीक है। लाइक वी नीड टू ब्लेंड, थोड़ा सा ब्लेंड करना पड़ेगा यहाँ पे, अदरवाइज आप यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड से भी आप ऐसे कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। बस आपको स्ट्रोक्स का थोड़ा ध्यान है, जो स्ट्रोक्स है अपना यहाँ पे वो स्ट्रोक्स आपको ऐसा कुछ कंप्लीट में दिखे, कहीं पर ज़्यादा हो तो से आपको थोड़ा सा ब्लेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने देखा थोड़ा सा कुछ कुछ ये पार्ट है यहाँ पे, अभी मुझे आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा मैं फेस पे भी थोड़ा सा फिनिशिंग दे देता हूँ, ठीक है। फेस पे भी जो काम किया थोड़ा सा क्या क्या चीज़ सह है वो भी हम लोग थोड़ा सा करते हैं, ताकि थोड़ा सा लुक एंड फील जब आए तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकें यहाँ पे। एक मैं बहुत ही मतलब बेसिक से मैंने आपको आइडिया दिया कि भाई हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज़ को फिनिशिंग में दोगे ना तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक बहुत ही रफली से मैंने आपको आइडिया दे दिया कि भाई आपको कैसे एक हेयर बनाने का टेक्निक कैसे यूज़ करना है, ठीक है। कहीं पे लगता है मुझे ज़्यादा पॉइंटेड करना है ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है, बी एंड पी फॉर पिंच, देखो यहाँ पिंच दिख रहे हैं यहाँ पे,
ये पिंच वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन हाँ कहीं पर ऐसा होता है बहुत ही पॉइंटेड दिखाना है, तो मैं देखो यहाँ पे एक डेमो दे देता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे ये देखो ये पिंच से ऐसे मैं ये शेप में ऐसे करके भी निकाल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके भी यहाँ पे काम किया जा सकता है। ये पिंच क्या करता है, मैं इसको बहुत ही पास लेकर आ जाता है यहाँ पे, कहीं पर लगता है पिंच, ठीक है। तो ऐसे करके ये हल्का हल्का ये ऐसे शेप को मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लाइक दिस। ऐसे करके यहाँ चेक करो, यहाँ पर मुझे कुछ चाहिए ऐसा, तो लाइक व्हाट आई वांट, हल्का सा मैंने शेप को यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ये थोड़ा सा चीज़ को और बेटर दिखा सकते हैं यहाँ पे, काइंड ऑफ। तो लेयर को अप एंड डाउन के लिए थोड़ा सा मैनेज करने के लिए, ठीक है, ये मैं शेप सेट किया यहाँ पे, ओके, ऐसे करके मैं सेट कर सकता हूँ यहाँ पे, देन लाइक दिस। ऐसे करके थोड़ा सा शेप में बस यहाँ पर गैप ज़्यादा दिखेगा आपको यहाँ पे, तो मैं ऐसे करके भी थोड़ा सा यहाँ पे फिनिशिंग के लिए कर सकता हूँ यहाँ पे। ये एंड स्टेज पे ही देते हैं, ठीक है, लाइक स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करते ऐसे अपने पास, क्या है जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया, हल्का सा स्मूथ भी किया यहाँ पे, थोड़ा सा ब्लेंड हो जाता है यहाँ पे, तो लाइक काइंड ऑफ, ठीक है। फिनिशिंग में हम लोग जब जाएंगे ना, फिनिशिंग के लिए तो यहाँ पे थोड़ा सा लगे हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे जैसे ये शेप है, ये ऐसे शेप दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ऐसे हम लोग शेप को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, लाइक व्हाट आई वांट, थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे स्विच किया मैंने यहाँ पे ऑल्ट एंड क्लिक, यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा लाइक जब हम लोग फेस पे स्कल्पिंग करते हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ का हम आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं यहाँ पे, स्मूथ किया यहाँ पे हल्का सा ब्लेंड, ठीक है, यहाँ पे जो भी शेप होगा आपका यहाँ पे हल्का सा निगेटिव यहाँ पे स्कल्प होगा यहाँ पे, ठीक है। शेप आपको यहाँ पे जो बेसिक लाइन होती है ये ऐसे करके यहाँ पे जाती है यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से लाइन जाएगी यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं हल्का सा स्कल्प करना यहाँ पे, देखो बेस स्मूथ कर दूंगा ना तो मैनेज हो जाएगा यहाँ पे, मैं थोड़ा सा शेप दिखाना है, लेकिन दिखाने के बाद हमें ये भी ध्यान देना है कि वो चीज़ कैसे दिखे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ कम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, शेप सेट किया मैंने यहाँ पे हल्का सा स्मूथ, थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ करो, जस्ट काम करते हैं, काम करने से थोड़ा सा फिनिशिंग चाहिए यहाँ पे, देखो हल्का हल्का यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज किया यहाँ पे, ये शेप हल्का सा निकलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये शेप हल्का सा मैंने ब्लेंड किया यहाँ पे, फोकस, ठीक है। आई के पास आपके पास ये बॉर्डर लाइन होता है, लाइक ये नहीं बोलना चाहिए, आई के पास हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, आई हमने दिखाया यहाँ पे, तो यहाँ पे शेप क्या है, जब तक मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट, इतना पार्ट मैंने मास्क किया यहाँ पे, आई के अंदर मैं जब तक ये डेप्थ नहीं दूंगा तब तक मज़ा ही नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये सिर्फ मैंने ऐसे दिया यहाँ पे, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे लाइक ओके शेप को सेट किया यहाँ पे, लाइक हल्का सा इंटेंसिटी बढ़ाओ यहाँ पे, ठीक है, ये शेप्स मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चाहिए, तो आई के पास यहाँ पे शेप यहाँ पे निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। व्हाट आई वांट, थोड़ा सा यहाँ पे शेप को मैंने मैनेज किया, हल्का सा स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे ब्लेंड करने के लिए, ठीक है, ये शेप मैं यहाँ पे ऐसे भी करके यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे, ये अपर वाला बाहर होता है, ठीक है, ये भी ऐसे बाहर होगा यहाँ पे, ठीक है, हल्का सा यहाँ पे स्कल्प किया, हल्का सा यहाँ पे ब्लेंड किया यहाँ पे, अभी तो यहाँ पे अच्छा खासा डेप्थ आएगा यहाँ पे, फोकस किया मैंने यहाँ पे, बेसिक में हम लोग जब भी यहाँ पे काम करेंगे थोड़ा सा इन चीज़ को ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ किया, स्विफ्ट एंड स्मूथ, फोकस, कंट्रोल एंड क्लिक, साइज को बड़ा करता हूँ हल्का सा, और देन यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट स्मूथनेस, ठीक है, ब्लेंड कर देंगे यहाँ पे, ये काम किया, फोकस, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे जो शेप है ये हल्का सा बहुत ही लाइक क्यूटनेस मेंटेन करने के लिए यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा शेप है यहाँ पे, ये शेप आपका ऐसा कुछ आता है यहाँ पे, ये हल्का सा, ठीक है, ये शेप आपका ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे, चिन वाला पार्ट, ठीक है, हल्का सा मैंने स्कल्प किया यहाँ पे, ये नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा मोटा होगा, हल्का सा ब्लेंड कर देंगे यहाँ पे, लिटिल बिट स्मूथ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ पे, फोकस, ब्लेंड मतलब शेप हमें देना है, वो फिनिशिंग के साथ ही ऐसे नहीं करना जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं, हल्का सा क्ले बिल्डअप किया यहाँ पे, ठीक है, तो देन यहाँ पे हल्का हल्का स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम कर देना यहाँ पे,
अंडू करता हूँ कंट्रोल जेड, ठीक है, ये ऐसे कर, ये ऐसे करके थोड़ा सा लिप्स पे दें ताकि ये हैवी लगे यहाँ पे, इससे कनेक्टिविटी लगी रहे, कनेक्टिविटी में मिला के देना पहले बार, तो कनेक्टिविटी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे शेप्स को देखोगे आप यहाँ पे तो लाइक ये शेप आपका ऐसे ऐसे कर, ठीक है, हल्का सा ये अभी ठीक है, शेप सेट किया हमने यहाँ पे, कहीं पे कैसे नहीं, कहीं से कोई दबाव नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा लेग पार्ट हल्का सा, कहीं लगता है कोई चीज़ दबाव रहेगा तो हल्का सा थोड़ा सा आप यहाँ पे स्कल्प करके थोड़ा सा भर देना उसे, ठीक है। अब देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम यहाँ पे थोड़ा सा देते हैं तो थोड़ी थोड़ी चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक शेप में आना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टाइम देने पे चाहिए और भी बटन निकलेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्लिक किया हमने यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज किया यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइक जैसे आईब्रो देखो, आईब्रो पे कैसा ये हल्का सा फिनिशिंग दो, इसे फिनिशिंग देना जरूरी है, थोड़ा सा स्मूथ कर दोगे ना अच्छा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। क्लिक किया यहाँ पे, ऑल्ट एंड क्लिक यहाँ पे किया, ठीक है। ये हल्का सा यहाँ पे स्कल्प के अंदर आपको स्मूथ करना है, देखो हल्का सा इस ब्लेंड कर देना, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखे जो लगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ छूट रहा है, तो सर ब्लेंडिंग हो तो अच्छा लगे यहाँ पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे ये से मैं अगर दे भी रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ मैनेज करूँगा। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो पार्ट है ये पार्ट थोड़ा सा निकला हुआ होता है लिटिल बिट, ये पार्ट निकला होता है, वो चीज़ लेके आपका आईब्रो थोड़ा ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा और मैनेज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे चीज़ को देखा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखो शेप्स को कैसे क्या करना है, थोड़ा सा ट्विक करो यहाँ पे, शिफ्ट डी कम करो यहाँ पे, ताकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करने के लिए यहाँ पे चीज़ को लाइक ऐसे करके थोड़ा सा स्कल्प कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है, हल्का सा यहाँ देखो हल्का स्कल्प भी करो स्मूथ भी करो, स्कल्प भी करो स्मूथ भी करो, तो थोड़ा सा चीज़ को हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। चलो अभी फॉर टाइमिंग अभी हमने इतना कुछ किया, ठीक है, अभी काफ़ी चीज़ें हैं हम लोग जो इसमें काम कर सकते हैं। 48 आपको ऐसा कुछ आना चाहिए था, जो 48 वाला पार्ट होगा आपको ये ऐसे कुछ आता है, ठीक है, तो लाइक मैनेज किया जा सकता है। ऑल टाइम यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड मूव, ठीक है। तो अभी ये चीज़ थोड़ा और बेटर दिखेगा, ओके, ऑल टाइम क्लिक किया यहाँ पे, इन चीज़ों को थोड़ा मैनेज करने का हम लोग चीज़ को दिखा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो क्यूटनेस है, जो ब्यूटीनेस है, वो तो हम लोग ला सकते हैं। अभी चलो टाइम थोड़ा सा कम है तो हम लोग अभी इतने पर ही थोड़ा सा छोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिप्रेस किया मैंने यहाँ पे हल्का सा, और सॉरी कहाँ गया आपका स्टैंडर्ड, हल्का सा दे दो, ठीक है, हल्का सा यहाँ पे ये जो लाइन है ये शेप हमने यहाँ पे क्या किया, सेफ प्रेस किया यहाँ पे, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैं हल्का सा स्कल्प करता हूँ यहाँ पे, ये शेप आपको थोड़ा सा है ना ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा पॉइंटेड हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये स्टेप से अभी क्या थोड़ा सा शेप आपको यहाँ पे निकल के आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वो करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये शेप हमने यहाँ पे दिया, ओके। यहाँ पे क्या नीचे वाला लिप्स निकल, ये बाहर निकलेगा, बाहर निकलने में क्या अगर मैं यहाँ पे ये हल्का सा यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे हल्का सा ये अप कर देना यहाँ पे, बाहर निकाल दें हल्का सा, तो ये थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि अभी ये बहुत ही फ्लैट में चला गया यहाँ पे, तो ये हल्का सा मैंने आपसे स्कल्प कर दिया यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इसमें डेप्थ आ जाएगा, ठीक है। जब इतना काफ़ी है, अभी चीज़ों को लाइक यहाँ पर वाइंड अप करते हैं।